हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं पूरे 2 महीने बाद अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 2 महीने से ज़्यादा ही टाइम हो गया है। तो ये देखिए, अभी मैं सानू को स्कूल से लेके आई हूँ। सानू के आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और दक्ष के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। तो वो अभी इस समय ना अपने बुआ के घर पर है और शायद कल आ जाए। होली में हम लोग गए थे गाँव, तो वहीं वो रुक गया था और वहाँ से फिर अपने बुआ के वहाँ चला गया है। होली के दूसरे दिन गए थे गांव, तो दक्ष वहीं रुक गया था और फिर उसके बाद वो अपनी बुआ के वहाँ चला गया है। और सानू के पेपर थे इसलिए हम लोग नहीं रुके थे। तो आज सानू का पहला पेपर था इंग्लिश ओरल। पोयम वगैरह आई थी और अल्फ़ाबेट्स आए थे, ओरल मैम ने सुना था। बाकी अभी 12:30 बजे हैं, सानू स्कूल से आ गई है। पापा भी आ गए हैं दुकान से, तो मैं जा रही हूँ पापा को खाना देने, और सानू को भी अगर कुछ खाना है तो उसको भी मैं दे दूँगी। पापा को खाना देने के बाद मैं छत पे आ गई थी कपड़े डालने के लिए, क्योंकि जब मैं स्कूल गई थी ना सानू को लेने, उसके पहले मशीन में ये कपड़े डाल के गई थी और आने के बाद तब तक ये कपड़े धुल गए, तो मैंने कहा इसको पहले मैं डाल देती हूँ सूखने के लिए। और सानू को मैंने पूछा तो सानू कहने लगी कि अभी भूख नहीं है इसलिए सानू ने खाना नहीं खाया है। तो सानू जब खाना खाने को बोलेगी तब उसको मैं दे दूँगी, तब तक ये कपड़े मैं डाल देती हूँ। तो स्कूल जाने के पहले ना मैंने सारे कपड़े मशीन में डाल दिए थे, तो जब तक मैं स्कूल से वापस आई हूँ तब तो ये देखिए सारे कपड़े धुल गए हैं। तो मैंने इसको धूप में डाल दिया है और 1 घंटे में सूख जाएंगे। और आज ना धूप थोड़ी कम है, आज बदली बदली सी है। और सानू को देखिए यहाँ पे अपने टेडी बियर के साथ बैठी खेल रही है। ये टेडी बियर ना, ये मैंने धुल के छत पे रखा था, तो ये बॉक्सर ने इसको ये देखिए फाड़ दिया है, तो इसको सिलना है। और ये तब से यहीं छत पे ही रखा हुआ है यहाँ ऊपर कमरे में। इसको जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसका ये सिल दूँगी जो भी बॉक्सर ने फाड़ दिया है। और इसको धुलना भी है फिर से? हाँ, इसको फिर से धुलना है। तो देखिए सानू कैसे बैठी हुई है अपने टैडी के ऊपर। प्यारा प्यारा टैडी है ना सानू। चलो अब टैडी से प्यार बाद में करना, अब नीचे चले हैं ना, शाम को फिर आएंगे तब टैडी से प्यार करना। ओके, बाय कर लो अपने टैडी से। हाँ, बीन बैग पे बिठा दो टैडी को। बाय टैडी। चलो सानू, भूख लगी है या नहीं लगी है? नहीं लगी। नहीं लगी? और कुशन देखिए, सोफे के सारे कुशन ये सानू ने ऐसे रखे हैं। हाँ, कल टेंट बनाया था तो कल सानू ने ऐसे ही रखा था, तब से ये ऐसे ही रखा, मैंने सही नहीं किया। क्योंकि मैंने ऐसे रख दिया था, फिर हम लोग पापा ने टैडी बनाई थी, फिर मैंने ऐसे रख दिया। हाँ, जो कुछ लाए खाने को? खाना खा लो। क्या खाना है अभी? मुझे अपना केक खाना है। केक खाना है? चलो मैं लेके आती हूँ। सानू अभी स्कूल से मैं लेके आई हूँ ना सानू को, तो ये रास्ते में ये चिप्स और ये केक लेके आई है सानू। हाँ, ये रास्ते, ये चिप्स है। ये रास्ते के लिए, पर ये क्या लोगों से जा रहे लो, मैं खोल दूँ बेटा। ये देखिए, ये ऑरेंज का है। ये ऑरेंज फ्लेवर नहीं है बेटा, ये फ्रूट वाला है केक, वनीला फ्लेवर होगा। वनीला? खोलो। ये लो, खा लो खा लो। अच्छा लगा कि नहीं? अच्छा है तो ये फिनिश कर लो, उसके बाद फिर खाना भी खाना पड़ेगा। ओके। हाँ, टिफिन फिनिश हुआ है कि नहीं आज? सब्जी कड़वी थी पर पराठा मैंने खाया पूरा। पराठा पूरा फिनिश कर दे? सब्जी कड़वी थी? कड़वी तो नहीं है थी। अच्छा, हो सकता है कड़वी रही हो तुम्हारे लिए। पराठा लेकिन पूरा फिनिश है ना? गुड। चलो ये भी जल्दी से फिनिश कर लो। ओके। केक खाने के थोड़ी देर बाद कहने लगी मुझे ऑरेंज खाना है, तो मैंने उसको ऑरेंज दे दिया है खाने के लिए। और उसको ना चूस चूस के खाने में बहुत मज़ा आता है। मैं बोल रही थी उसको काट के खाओ, लेकिन वो उसका ना सिर्फ जूस जो होता है ऑरेंज का, वो चूस रही थी। कह रही थी मुझसे कि इसका जूस निकाल दो, लेकिन अब 2 ही ऑरेंज थे उसमें कितना जूस निकलता है, इसलिए मैंने कहा ऐसे ही खा लो, जूस नहीं निकालो। और उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। अब ये शाम का समय है, यहाँ मैं ऊपर से कपड़े सब उठा लाई थी और फिर शाम हो गई थी, तो चाय फिर मैंने बनाया।
अपने और सानू के लिए, और सानू को देखिए अपने सब सॉफ्टवेयर के साथ वो खेल रही है, सबको अपने कपड़े पहना रही है, कह रही है सारे कपड़े मेरे छोटे हो गए हैं तो ये मैं इसको पहना दूंगी, मेरे लिए दूसरे ले आना। जितनी देर में चाय थोड़ी ठंडी हो जाएगी उतनी देर में सारे कपड़े मैं तय करके रख दूंगी। और दोपहर में ना हम दोनों लोग सो गए थे थोड़ी देर के लिए, और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे। एक्चुअली मेरे भाई की शादी थी ना, तो मैं मम्मी के घर गई थी, तो वहीं से मैं होली के 2-3 दिन पहले आई थी, इसलिए वहाँ एक भी ब्लॉग नहीं बनाए थे, क्योंकि वहाँ पे कैसे डालते इसलिए मतलब मेरे पास कंप्यूटर से मैं एडिटिंग करती, तो कंप्यूटर मेरा यहीं पे घर पे था, लैपटॉप है नहीं, अगर लैपटॉप होता तो शायद मैं थोड़ा बहुत कर भी लेती, ब्लॉग बना लेती। लेकिन हाँ, आपको जो भी थोड़ी बहुत जो भी मैंने क्लिप्स बनाई अपने फ़ोन से वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी, थोड़ा थोड़ा वीडियो में डाल दूँगी हर वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा, या एक अलग से ही वीडियो बना लूँगी मैं जिस सारी रस्मों की थोड़ी थोड़ी क्लिप्स होंगी और फोटोज होंगी। तो सारे कपड़े मैंने तय कर लिया है और वो मैंने रख दिया है उधर अलमारी में। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं चाय पीने, चाय भी ठंडी हो गई है। और ये देखिए सानू ने अपने सारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको अपने कपड़े पहना दिए, स्कर्ट पहना दिया है, पैजामा पहना दिया है, सब यही कर रही है। और एक को कह रही हूँ मुझसे कि प्लाजो पहना दो इसको अब मेरा, तो ये मैं पहना रही थी। तो आप लोग भी आइए, शाम की चाय इंजॉय करिए हम लोगों के साथ में, और हम ही 2 लोग हैं अभी चाय पीने के लिए, और कोई नहीं है घर में। और हस्बैंड भी अभी तक बाहर रहते थे तो वो भी आ गए हैं वापस लखनऊ, अब डेली लखनऊ में ही आना जाना रहता है, उनका ऑफिस लखनऊ में ही हो गया है। और चाय पीने के बाद फिर ये देखिए अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। इधर मैंने चावल रख दिया है और दाल भी रख दूंगी, दाल चावल जब तक होगा तब तक सब्जी का इंतजाम कुछ कर लूँगी। और ना सब्जी इस समय कुछ समझ में नहीं आती क्या बनाए क्या ना बनाए, क्योंकि जब तक ठंडी थी तब तक तो अच्छी अच्छी सब्जियाँ आती थी मार्केट में, लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू हो गई है ना तो कुछ मन नहीं होता है कि क्या बनाए। और ये देखिए हस्बैंड भी आ गए हैं, उनका टिफिन रखा हुआ है रेड कलर का, तो वो भी आ गए हैं। और इधर मैंने चावल चढ़ा दिया है राइस कुकर में, और दाल भी मैंने कुकर में रख दी है, तो इसमें मैं नमक और हल्दी डाल दे रही हूँ। जितनी देर में इधर दाल चावल बन जाएगा ना उतनी देर में मैं सब्जी का इंतजाम कर लूँगी। सब्जी में ना मैं सोच रही थी कि थोड़े आलू बॉयल रखे हुए थे फ्रिज में, तो मैंने कहा उसी की सब्जी मैं बना लेती हूँ। तो इधर चावल बन गया था, चावल उठा के मैंने उधर रख दिया है, दाल भी बन गई है, तो अभी दाल मैंने फ्राई नहीं किया है, उसको बाद हींग और जीरा से छौंक दूंगी। बाकी अब मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने। ये देख सब्जी का सारा इंतजाम मैंने कर लिया है, आलू रखे हुए थे बॉयल, आलू बॉयल रखे हुए थे फ्रिज में, तो मैंने सोचा इसी की सब्जी बना लेती हूँ। इधर मैंने प्याज टमाटर और अदरक लहसुन सब कट कर लिया है, एक लाल वाली मिर्च ली है मैंने ये, और थोड़ी सी पीसी वाली मिर्च डाल दूँगी, और ये मटर छिले हुए रखे थे, ये देखिए इसमें अंकुरित हो गया मटर, क्योंकि काफ़ी दिन पहले ही मैंने छील के रखे थे। और इधर ये पीसे मसाले ले लिए हैं, तेल गर्म हो गया है तो इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, और जीरा हो गया है उसके बाद मैंने ये लाल वाली मिर्च डाल दी है इसमें, और तेज पत्ता डालने से ना थोड़ा सब्जी में अच्छा टेस्ट आ जाता है इसका। और थोड़ा सा मैंने रतन जोड़ डाल दिया है कलर के लिए, इसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद जो ये प्याज मैंने चॉप करके रखे हैं वो मैंने डाल दिया है, प्याज को हल्का पिंक होने तक भून लेंगे, और जब प्याज हल्के पिंक हो जाएंगे ना तब इसमें लहसुन और अदरक डाल देंगे। तो ये देखिए प्याज पिंक हो गए हैं, अब इसमें ये लहसुन और अदरक डाल देंगे, और ज़्यादा नहीं सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको भून लेंगे कि बस इसका अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो निकल जाए। इसमें मैंने थोड़ी सी हींग भी डाल दी, पहले हींग नहीं डाली थी कि हींग जल जाती है इसलिए बाद में डाली है। और अब इसमें मैं टमाटर जो मैंने चॉप करके रखा है वो भी मैंने डाल दिया है, और टमाटर के साथ में ही मटर भी डाल दिया है, क्योंकि मटर ना थोड़ी पक गई थी इसलिए पहले ही उसको डाल दिया कि थोड़ी सॉफ्ट हो जाए मटर, और इसको ढककर थोड़ी देर पकने देंगे जिससे टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और मटर भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। तो चेक कर लेते हैं कि टमाटर और मटर सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं हुए। तो ये देखिए टमाटर और मटर दोनों चीज़ अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें ये जो मैंने आलू कट करके रखे थे बॉयल आलू को वो मैंने डाल दिया है, और थोड़ी देर ऐसे ही मसालों के साथ में इसको भून लेंगे। अभी मैंने पीसे मसाले इसमें नहीं डाले हैं, थोड़ी देर ऐसे ही भून लेंगे उसके बाद इसमें पीसे मसाले डालेंगे। ये देखिए आलू अच्छे से भून गए हैं, अब इसमें थोड़े पीसे मसाले डाल देंगे, हल्दी मिर्चा गरम मसाला और थोड़ा सा आलू वाला मसाला जो मैं घर में बनाती हूँ वो मसाला है, इसमें धनिया मिर्चा जीरा सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं उसको मैंने डाल दिया है। इसमें मैंने सब्जी मसाला नहीं डाला है, अगर ये आलू वाला मसाला नहीं डालते तो इसमें सब्जी मसाला डाल देते हैं। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, थोड़ा मसालों के साथ सब्जियों को ऐसे ही भून लें उसके बाद नमक डालेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से भून गए हैं सारी चीज़ें, आलू के साथ मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं,
अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा पानी डाल दे रहे क्योंकि ये थोड़ी लुटपुटी टाइप की सब्जी मैं बना रही हूँ, इसलिए ज़्यादा पानी मैंने नहीं डाला है, थोड़ा ही पानी डाला है। अब इसको ढककर पका लेंगे, इसमें बस एक बॉयल आ जाए तब तक के लिए इसको पकाना है बस, क्योंकि सब्जी उबले आलू की है तो इसको ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता है, बस थोड़ा ही टाइम चाहिए, एक बॉयल आ जाए फिर उसके बाद गैस बंद कर देंगे। ये देखिए सब्जी खोलने लगी है। ये थोड़े से पुदीना रखे थे मेरे पास, वो मैंने काट के डाल दिए हैं और थोड़ी सी धनिया डाल दी है। पुदीना रखे हुए थे ना तो मैंने कहा पुदीना का भी टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए मैंने पुदीना भी थोड़े से काट के डाल दिया। और पुदीना ना मेरे वहाँ छत पे लगे हुए गमले में तो मैं तोड़ के लाई थी, तो थोड़ी सी 5-6 पत्तियाँ रखी हुई थी फ्रिज में, इसीलिए ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा ही मैंने डाला है। और शाम हो गई थी तो और मैं तोड़ के लाई नहीं थी, तो मैंने कहा अभी जितना है उतना ही डाल देते हैं, बाकी बाद में फिर ला के रख लेंगे फिर डाल देंगे। तो इधर सब्जी भी बन गई है, दाल चावल सब्जी सब बन गया है खाना, और मैंने दाल भी फ्राई कर दी, अभी इधर मैं रोटियां सेक ले रही हूँ। और इधर रोटियां मेरी बन गई थी ना, तो इधर फिर मैंने कहा राजमा भिगो देते हैं सुबह के लिए, क्योंकि कहने लगे कि राजमा भिगो दो सुबह टिफिन में राजमा देना, तो इसीलिए मैं थोड़ा इसको साफ कर ले रही हूँ, क्योंकि राजमा ना 2 महीने पहले ही मैं लाई थी, तब से रखे हुए हैं, यहाँ मैं थी नहीं इसलिए ख़त्म नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं एक बार चेक कर ले रही थी कि मतलब सही है कि नहीं सही है, तो राजमा सही थे। बस जो ये कटे पिटे थोड़े से वही मैं इसको बीन के अलग कर दे रही थी, तो इसको मैं रख दूंगी भिगो के क्योंकि सुबह बनाना है। ये मैंने कटोरा ले लिया है ना, इसी में पानी भर के इसी में रख दूंगी मैं भीगने के लिए। तो ये देखिए अभी आए हैं, तो ये सोया मेथी और ये कद्दू लेके आए हैं, तो ये अभी ऐसे ही रखा रहेगा, इसको मैं पन्नी से बाहर कर दूं। ऑफिस से आने के बाद फिर ये कहीं चले गए थे, तो उसके बाद फिर लौट के आए हैं, तब ये सब्जी लेके आए हैं रात में। तो हम लोगों का खाना पीना हो गया है, और हस्बैंड आए थे 11 बजे आए थे वो, और सब्जी लेके आए कद्दू और सोया मेथी मिला है तो वही लेके आए हैं, और फिर खाना खा के वो चले गए हैं क्योंकि आज उनको कहीं रात में रुकना है, तो वहीं चले गए हैं, सुबह 8 बजे आएंगे। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ब्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।